अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, हैरी से होंगे। सो आज हमारे किचन में बनने लगी हैं नवाबी सवैयाँ। सो आपको नवाबी सवैयाँ की रेसिपी शेयर करते हैं, सो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे किचन में बन रहा है नवाबी सवैयाँ, तो उनके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, ये हमारे पास 2 कप सवैयाँ हैं, इनको हमने प्री क्रश कर लिया है। उसके बाद ये हमारे पास 1 टेबलस्पून के करीब एक जो है हमारे पास इलायची का पाउडर है। उसके बाद 4 टेबलस्पून जो हमारे पास है ये क्रश शुगर है, 4 टेबलस्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, 5 टेबलस्पून हमारे पास जो है 4 टेबलस्पून हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है, ये काट कस्टर्ड। ये हमारे पास 1.5 टेबलस्पून जो है हमारे पास मिल्क पाउडर है। उसके बाद ये हमारे पास 3 टेबलस्पून जो है देसी घी है, और ये ड्राई फ्रूट्स है, इसको हमने बारीक कट कर लेना है। उसके बाद 1 लीटर दूध है हमारे पास, ये हमारे पास कंडेंस मिल्क है। तो इधर जो है हम अपनी सवैयाँ तैयार करने लगे हैं, उसके लिए हमने एक फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर 3 टेबलस्पून अपना देसी घी ऐड कर दिया। तो इधर जो अपना ऑयल देसी घी शामिल करने के बाद इसके अंदर क्रश की हुई सवैयाँ ऐड कर देंगे। अपनी सवैयाँ ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट जो है हम अपनी सवैयों को जो है कुक कर लेंगे हल्की फ्लेम पे। तो इधर आप देख सकते हैं हमारी सवैयाँ जो है वो कुक हो चुकी हैं। हम इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास ये मिल्क पाउडर है वो ऐड कर रहे हैं, उसके बाद ये हमारे पास क्रश शुगर है, चीनी है वो ऐड कर रहे हैं पीसी हुई। उसके बाद इसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ड्राई मटेरियल को। तो इधर जो हमने एक बॉल ले लिया, उसके अंदर अपनी सवैयाँ जो रोस्ट की थी उसको ऐड कर देंगे। इधर आप देख सकते हैं हमारी सवैयों की लेयर जो वो रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना कस्टर्ड मिल्क डालेंगे। तो इधर जो अब हम अपना कस्टर्ड रेडी कर रहे हैं, उसके लिए हमने 1 लीटर मिल्क है वो ऐड कर दिया अपने फ्राई पैन में। तो इधर अब आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है उसमें बॉयल आ गया है, उसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर रहे हैं 2 से 3 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें जो है अपनी कॉर्नफ्लोर मिक्स करके उसको ऐड किया, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इधर जो हमने अपना कस्टर्ड मिल्क बनाया था वो हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम फिर जो अपनी एक और लेयर बनाएंगे सवैयाँ जो हमारे पास थी रोस्ट की हुई, उसके बाद ये हमने ऐड कर दी इसके ऊपर। इसके बाद हम इसमें अपने जो नट्स हैं बादाम, उनको हमने ब्रीक ब्रीक कट कर लिया था वो ऐड कर दिए। तो इधर आप देख सकते हैं हमारी जो सवैयाँ थी वो रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इनको फ्रीजर में रख देंगे। Thank you.